कर्नाटक में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। भाजपा नेता जगदीश शेट्टार और अरविंद लिंबावली समेत वरिष्ठ नेता अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। सरकार बनाने पर अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बीच भावी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के लिए मंत्रिमंडल का गठन सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 बागियों समेत 56 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने 3 या इससे ज्यादा चुनाव जीते हैं। इन सभी को उम्मीद है कि नई सरकार में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या फिर बड़ा रोल। लेकिन कर्नाटक में मुख्यमंत्री समेत केवल 34 पद स्वीकृत हैं। बताया जा रहा है कि यदि बागियों समेत इन वरिष्ठों को भी नाराज करना नहीं चाहते। इससे पहले 23 जुलाई को कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। तब मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 99 और विरोध में 105 वोट पड़े थे। अब बीएस येदियुरप्पा चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि पार्टी उनके नाम के ऐलान को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। केंद्रीय नेतृत्व की सलाह पर फैसले लिए जाएंगे। अरविंद लिंबावली ने कहा कि आपने कर्नाटक के हालात देखे हैं, नई सरकार बनी है, इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है, उनकी सलाह से आगे फैसले लिए जाएंगे। पार्टी किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। येदियुरप्पा भी कह चुके हैं कि वे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। बुधवार को वे बेंगलुरु के संघ कार्यालय पहुंचे और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लिया। क्या बागियों के इस्तीफे पर फैसले को लेकर देरी हो रही? प्रतिनिधिमंडल से पूछा गया कि क्या भाजपा 15 बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला आने का इंतजार कर रही है, इसलिए सरकार के गठन में देरी हो रही है। इस पर लिंबावली ने कहा कि अभी तो यह कोई मुद्दा नहीं है, आगे हो भी सकता है। हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, इसमें कोई दुराहे नहीं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी में कुछ देरी हो सकती है। इस्तीफा देने वाले कांग्रेस जेडीएस के 15 विधायक मुंबई में ठहरे हैं। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार बनने के बाद भी वे बेंगलुरु लौटेंगे।